क्या नाम है सर आपका? रोहित जैन जैन। रोहित जी, कोविड के टाइम पर मरीजों को बेड मिलने में परेशानी हो रही है, मेडिकल सुविधा मिलने में परेशानी हो रही है, तो क्या कुछ पहल जो है हनुमंत शैल गुरु फाउंडेशन द्वारा की जा रही है? देखिए, आपको मालूम है पूरे आज हिंदुस्तान के अंदर कितनी मारामारी हुई हुई है बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। तो हमने ये सोच विचार आया कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल तो बंद हैं आज के दिनों में, तो क्यों ना इस बिल्डिंग का सदुपयोग किया जाए। इसलिए हमें इसको 200 बेडेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का फैसला किया और कन्वर्ट कर भी रहे हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट्स को बेसिक प्राइमरी केयर दे पाएँ, जिसकी ऑक्सीजन दे पाएँ, मेडिसिन दे पाएँ, उसको हम बेड दे पाएँ। तो ये शुरुआत यही सोच के की गई है। ब्रेन चाइल्ड किसका रहा सर, और किन किन लोग जो है मिलकर इसको चलाएंगे ताकि एक विश्वास लोगों में कायम हो सके? देखिए, एक तो हमारे राजीव चावला जी जो MSCME के प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर प्रबल हैं, डॉक्टर ऋषि गुप्ता हैं, हम सब डॉक्टर विनीत दत्ता हैं, हम सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए समाज हित में। तो ये सर कब तक तैयार हो जाएगा और कब से इसमें ट्रीटमेंट शुरू होगा? देखिए, ये सोची हमें 2 दिन पहले आई थी, तो इसमें तैयार हमें लगता है कि अगले 2 या 3 दिन में हम इसकी शुरुआत कर पाएंगे। तो सर ये निःशुल्क होगा या किसी तरह का शुल्क लिया जाएगा, और शुल्क लिया जाएगा तो कितना शुल्क लिया जाएगा? बहुत नॉमिनल शुल्क लिया जाएगा, जिससे बेसिक सैलरीज नर्सिंग की और मेडिकल स्टाफ के निकल पाए, और नो प्रॉफिट और नो लॉस पे चलेंगे। किस स्तर का ये अस्पताल होगा सर? स्तर तो देखिए पूजा जी, ये 200 बेडेड हॉस्पिटल होगा, जिसमें प्राइमरी केयर पूरी तरीके से दी जाएगा, मुफ्त में खाना दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएंगी, ऑक्सीजन दी जाएगी, और कुछ पेशेंट्स को वेंटिलेशन भी दी जाएगी। सर, ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है शहर में, तो क्या यहाँ आने वाले पेशेंट या श्योर हो सकेंगे कि उनको पूरी ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है मिलेगी? देखिए, अपनी कोशिश तो पूरी रहेंगी। श्री अनिल विज साहब ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमारा पूरा सहयोग करेंगे, प्रशासन ने पूरा सहयोग करने का हमें आश्वासन दिया है, तो उम्मीद है हम लोगों की इच्छाओं को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं राजीव चावला, IMSME ऑफ इंडिया फरीदाबाद की तरफ से। आप सभी दर्शकों को ये अपील करता हूँ कि इस कोविड सेवा केंद्र को जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें हमें पूरे 200 बेड से लेके उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, मेडिसिन की, मैट्रेसिस की, नर्सेज की, डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, केटरिंग, दवाइयाँ, सबको भोजन, खाना, इन सब की हम व्यवस्था कर रहे हैं, और ये फैसिलिटी कुछ महीनों तक चलेगी। तो मैं चाहता हूँ, सबसे अपील भी करता हूँ कि किसी भी फॉर्म में आप इस कोविड सेवा केंद्र के साथ जुड़ें, आप डोनेशन दें, आप फंड्स अरेंज कर सकते हैं। मैं लार्ज कॉरपोरेट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि वो अपने CSR फंड्स के तहत इस सेवा केंद्र के लिए कुछ सपोर्ट कर सके, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें, और इसकी एक बार सेटअप करने में हमारी मदद करें। एक बार ये स्थापित हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, तो सभी की सेवा कर पाएंगे। सर, कोई अगर वॉलेंटरी आकर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है और क्या वो कर सकता है? क्योंकि कोविड केंद्र है तो फिजिकल वॉलेंटियर्स की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर्स, ट्रेंड मेडिकल स्टाफ, नर्सेज ही हम रिक्रूट करके, अपॉइंट करके ऑन पेमेंट बेसिस हम रखेंगे। हाँ, यदि ऑन रेगुलर जॉब बेसिस कोई ज्वाइन करना चाहता है, बहुत सारी 200 बेड का हमें व्यवस्था करनी है, तो हमारे पास करीब 100 लोगों की अपॉइंटमेंट हम देने को तैयार है। तो यदि कोई युवा या ट्रेंड हो, स्पेशली अगर नर्सिंग उसमें वो ज्वाइन करना चाहें, तो हमें ट्रांसपोर्ट ड्यूटी, रिसेप्शन ड्यूटी, अटेंडेंस, हर तरह की हमारे पास इस समय वैकेंसी होगी, तो आएं और ज्वाइन करें इस प्रोजेक्ट को, एंड ऑन रेगुलर पेमेंट बेसिस, ऑन सैलरी बेसिस। सर, कब तक ये जनता को समर्पित होगा? टारगेट है हमारा कि अगले 72 घंटे के अंदर हम ये समर्पित कर दें फरीदाबाद के लोगों। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर प्रबल रॉय हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो अब 200 बेड का कोविड केयर सेंटर, कोविड सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेंगी और क्या लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, इस वक्त बेड और ऑक्सीजन, इन दोनों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम यहाँ पर 200 बेड की एक फैसिलिटी बना रहे हैं, जिसका टोटल सिस्टम 3 tier पे है। जो सबसे लोएस्ट टेयर है, जो ईजिएस्ट है, वो है आइसोलेशन। ऐसे लोग जो छोटे घर में रहते हैं, एक कोरोना पॉजिटिव है, बाकी परिवार नेगेटिव है, और उनको घर से बाहर किसी एक जगह पर आइसोलेट होने की ज़रूरत है, तो कुछ बेड, 50 बेड हमने उनके लिए मुहैया कराए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और मेडिकल सुपरविजन के तकरीबन 100 बेड रहेंगे।
और 16 बेड का हमारा एक आईसीयू रहेगा। ये आईसीयू ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, मेडिकल सुपरविजन और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये जगह हॉस्पिटल से बाहर है, इन्वेजिव वेंटिलेशन देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्वेजिव वेंटिलेशन के पेशेंट्स या क्रिटिकली इल पेशेंट या ऐसे पेशेंट्स जिनको मल्टी लेवल ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, ऐसे लोगों के लिए एक बने हुए अस्पताल में, एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में ही जगह दी जानी चाहिए। सर, कौन कौन से सीनियर डॉक्टर्स जो है अटैच्ड होंगे इस अस्पताल से, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें? ये हॉस्पिटल में जो मेडिकल केयर दी जा रही है वो अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से दी जा रही है। यहाँ की टीम में मेरे अलावा डॉक्टर ऋषि गुप्ता जो शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर युवराज कुमार जो हड्डी जोड़ों के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर रोहित गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राम सोनी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ये सब इस महत्वपूर्ण कार्य के साथ में पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पूरी मेडिकल टीम है जिसमें इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सब लोग इस पूरी व्यवस्था को चलाने में और सुनिश्चित करने में सहयोग देंगे।